हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टिक इंडिया। आज हम वॉश टेक्निक के साथ पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस पर सिर्फ पानी लगाना शुरू किया। अभी इसके ऊपर मैं वाइट कलर की लेयर लगा रहा हूँ। दोस्तों, वॉश टेक्निक होती है जिसमें हम पेंट की एक लेयर के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी बार बार लेयर्स लगाते जाते हैं, उसको और डार्क लुक देते रहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेयर यूज़ करूँगा। और जैसे जो रियल आर्टिस्ट होते हैं ना, जो वॉश टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो 8 से 10 लेयर भी लगाते हैं और कई कई तो 15-15 लेयर्स भी लगाते हैं। इसमें मैं लाइट ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने वाइट और ब्लू के मिक्स से बनाया इसे, थोड़ा और डार्क करते जाएंगे इसे। अब वॉश टेक्निक जब सबसे पहले मॉडर्न आर्ट के थ्रू इंडिया में आई थी, तब गगनेंद्रनाथ टैगोर, अभिन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोसे, ऐसे कई आर्टिस्ट ने इसका यूज़ किए थे और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किए थे। वो तो 12 से 15 लेयर्स भी यूज़ करते थे। अब मैं यहाँ पे माउंटेन बनाने के लिए बस एक लाइट सी उसकी रफ सी बस एक ड्रॉ करके रख दूंगा। अभी इस पर काम नहीं करना मैंने। अब यहाँ पे रिवर के लिए मैंने मार्क लगा दिया पानी के साथ। इसमें ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद अब इसमें पानी लगाएंगे हम पूरा नीचे। यहाँ हमने पूरा पानी लगा दिया। इसके ऊपर अब लाइट कलर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इस रिवर में भी हम वॉश टेक्निक का ही यूज़ करेंगे। बार बार हम इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स लगाते रहेंगे। अभी लाइट ब्लू कर रहा हूँ। इसके ऊपर हल्का हल्का फिर डीप करूँगा। सेंटर में हल्का सा वाइट देता रहूँगा। अब यहाँ पे मैं डार्क ब्लू करना शुरू कर दिया। साइड में मैं डार्क देता रहूँगा और सेंटर में थोड़ा सा वाइट दे दूंगा। अगर आपको रिवर में ज़्यादा शाइन दिखानी हो ना, तो फिर सेंटर में सबसे पहले वाइट कर लो और साइड में डार्क ब्लू यूज़ करो। उसमें वाइट का मिक्स अगर करोगे तो बिल्कुल हल्का सा ही करना और स्ट्रोक्स मारते जाना। स्ट्रोक्स मारने के लिए अगर ज़्यादा बड़ा सरफेस है, जैसे मेरी रिवर अभी थोड़ी सी बड़ी है, तो फिर फ्लैट ब्रश का यूज़ करेंगे। चौड़ा वाला ले लेना 4 से 6 पॉइंट्स तक का, ऊपर की ओर वाइट। फिर यहाँ पे साइड में दोबारा मैं एक और कोटिंग कर रहा हूँ ब्लू की। जैसे मैंने कहा कि वॉश टेक्निक में लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाते रहते हैं, बार बार लेयर्स करते रहते हैं उसके ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। साइड्स को मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क रखूँगा और बाद में बीच में जब मैं थोड़ा सा वाइट करूँगा, उसके साथ साथ उसको पूरा मर्ज भी कर दूँगा, ताकि जो स्ट्रोक्स है एक साइड को दिखाई ना दे। अब मैं ट्रीज़ बनाने के लिए पिंक और क्रिम्सन येलो का यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने पिंक बनाया उसे मैंने 80% वाइट और 20% रेड के साथ बनाया, और जो नीचे अब मैं येलो कर रहा हूँ, ये येलो भी उसमें ही उसी कलर में पिंक वाले में मैंने येलो का मिक्स कर दिया, जो ओरिजिनल येलो कलर होता है हमारा, उसके साथ मेरा ये क्रिम्सन येलो बन गया। अब मैंने यहाँ भी सबसे पहले नीचे मैंने सिर्फ पानी लगाया, पानी के ऊपर मैंने फिर येलो कलर यूज़ किया। अब मैं साइड्स में ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें भी मैं वॉश टेक्निक का यूज़ ज़रूर करूँगा। एक अभी मैं हल्की लेयर चढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर फिर चढ़ाऊँगा, कम से कम 3 से 4 बार तो करूँगा।
दोस्तों वॉश टेक्निक का यूज़ जो होता है सबसे ज़्यादा ना वाटर कलर्स के साथ होता है। वाटर कलर्स क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पोस्टर कलर्स के साथ कर रहे हैं। पोस्टर कलर्स के साथ भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो वाटर कलर्स के साथ किया जाता है। जो हमारे इंडिया के पुराने आर्टिस्ट थे, जिन्होंने मॉडर्न आर्ट्स को यूरोप से इंडिया तक लेके आए थे, उन लोगों ने भी वाटर कलर्स के साथ ही वॉश टेक्निक का यूज़ किया था। अभी इस वाले में भी मैंने बीच में येलो देना शुरू कर दिया, जैसे मैंने पहले दिखाया सबसे पहले। अब ये सेकंड लेयर इसके ऊपर चल रही है, फिर सेकंड ही नहीं, इसके बाद थर्ड और फोर्थ भी करेंगे हम। अभी पेंटिंग लाइट है ना, धीरे 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 जब इसके ऊपर एक और वॉश चढ़ता रहेगा, लेयर चढ़ती रहेगी, ये डार्क होगी थोड़ी 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 थोड़ी। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी ग्रीन कर दिया, थोड़ा डीप आ गया ये। पेड़ में भी करेंगे, अभी क्लाउड्स बनने हैं, माउंटेन की डिटेलिंग होनी है, पानी में हल्के हल्के रिफ्लेक्शंस दिखाएंगे, पानी को भी थोड़ा और डीप करेंगे। अब मैं येलो की एक और कोटिंग काउंट करते जाओ, मैंने ये थर्ड कोटिंग शुरू कर दी इसके। येलो की भी मैं एक और कोटिंग कर रहा हूँ, इट्स क्रिम्सन येलो। इधर भी मैंने एक और कोटिंग देनी शुरू करी। दोस्तों वैसे तो मैं हम यहाँ पे नॉर्मल शीट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर्स को, लेकिन अगर आप कॉटन शीट्स के ऊपर वाटर कलर या पोस्टर कलर्स यूज़ करते हो ना, कॉटन शीट के ऊपर सबसे बढ़िया इफेक्ट आता है उसका। लेकिन कॉटन शीट्स ना एक्चुअली इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, इस वजह से हमें नॉर्मल शीट्स पे ही करना पड़ता है। नॉर्मल शीट्स तो जैसे थोड़ी थोड़ी हिलने लग जाती है, जल्दी फटने लग जाती है। अगर जल्दी फटे ना, सबसे ज़्यादा है कि ना हम सिंथेटिक ब्रश का यूज़ करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ब्रांचेस बना रहा हूँ, ब्रांचेस बनाने के लिए स्लिम ब्रश लेना, सर्कुलर ब्रश। अगर सिंथेटिक ब्रश लेते हो ना, सिंथेटिक ब्रश के साथ शीट जल्दी फटती नहीं है, हार्ड ब्रशेस के साथ जल्दी फटती है। लेकिन हार्ड ब्रश का भी अपना यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ ट्री के लिए हार्ड ब्रश का ही यूज़ किया, वो भी ऐसा वाला हार्ड जो थोड़ा सा मेरा पहले से ही ख़राब था, क्योंकि ट्री में ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, हमने लीव्स का इफेक्ट देना होता है, वो हार्ड ब्रश के साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं हार्ड ब्रश का ही यूज़ करता हूँ। सॉफ्ट ब्रशेस का यूज़ करो स्काई में नीचे की ओर, और जो फ्लैट ब्रश होता है सबसे ज़्यादा तुम्हारी कलेक्शन में, जो सबसे ज़्यादा नंबर का सबसे चौड़ा ब्रश होएगा, उसका यूज़ किया करो, जैसे स्काई में और रिवर्स में। और सबसे पहले जैसे मैंने पानी लगाया, मेरी यही टेक्निक है कि मैं पानी लगा के यूज़ करता हूँ सबसे पहले। तो पानी लगाने के लिए भी फ्लैट ब्रश का चौड़े वाला ब्रश लो, लेकिन यहाँ ब्रांचेस के लिए सबसे स्लिम ब्रश, सबसे नहीं दो या चार पॉइंट का ले लो। अब यहाँ पे हम क्लाउड्स बनाना शुरू कर रहे हैं। क्लाउड्स आप चाहे तो इस बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ब्लू के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट के साथ बना रहा हूँ। डार्क ब्लू के साथ पेंटिंग में एक ब्राइटनेस दिखेगी, लेकिन वाइट के साथ ब्राइटनेस नहीं दिखेगी। और एक्चुअल में क्लाउड्स वाइट ही दिखाई देते, डार्क ब्लू तो दिखते भी नहीं, लेकिन एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का दिमाग तो कहीं भी जा सकता है यारो।
पेंटिंग की सबसे बढ़िया बात तो यार मुझे यही लगती है कि हम कोई भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ट्रीज़ है, इंडिया में तो ऐसे रंग के ट्रीज़ तो दिखने से रहे, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ करे हुए हैं। अब यहाँ पे भी मैं वॉश टेक्निक का यूज़ करूँगा। जैसे अभी मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर दे रहा हूँ उसकी, अब ये डीप ब्लू को दिया है, इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा मर्ज करता रहूँगा उसमें थोड़ा और। अब मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू के पॉइंट्स गिरे हैं, अब इसको भी मैं पहले फैलाऊँगा, उसके बाद वाइट के साथ मर्ज करता रहूँगा। इससे क्या आएगा, इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती जा रही है। क्लाउड्स पे भी मैं वॉश का इफेक्ट दे रहा हूँ, दूसरी तीसरी लेयर चढ़ा रहा हूँ मैं। अब माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं, जो हमने पहले बिल्कुल लाइट छोड़ा था, अब उसी को डार्क करेंगे। टॉप बॉर्डर्स को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसे डार्क ब्लू दिया और राइट हैंड साइड में वाइट दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ नीचे की ओर लाइट लाते हुए, ऊपर की ओर डार्क। अब दोस्तों मैंने इसे बना दिया, इसमें मैंने वाइट का यूज़ किया हुआ है, कहीं ब्लू का यूज़ किया, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करूँगा। इस साइड में मैंने ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ अभी, डार्क ब्लू का टॉप के तरफ में बिल्कुल, और दूसरी तरफ को मैं वाइट का यूज़ करूँगा। उसे वाइट से क्या है ना, एक फॉग वाला लुक या फिर स्नोइश लुक आ जाता है। या जब भी हम देखेंगे ना दूर कोई माउंटेन्स, दूर में ब्लू ही दिखती है माउंटेन्स में, पास जाने पे उसका एक्चुअल रंग दिखता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिटल लिटल थोड़े से प्लांट बनाएंगे। जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी येलो ही घेरा, इसके ऊपर भी मैं वॉश का यूज़ करूँगा, येलो के ऊपर रेड, फिर उसके ऊपर फिर येलो, फिर रेड और रेड और येलो। अब सबसे स्लिम ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर थोड़े कांटे से दिखाने के लिए, या यूँ कह लो ग्रास दिखाने के लिए। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर रहा है उसमें, हल्की हल्की सी। पानी के ऊपर कभी रेड ऑरेंज प्लांट देखा है? नहीं ना, लेकिन एक आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी बना सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन बनानी है, ज़रूरी नहीं अब मैं पूरा उसमें माउंटेन शो करूँ, पूरे उसमें पेड़ शो करूँ। सिर्फ मैंने वाइट और ब्लू की अभी लाइंस दी है, अब ब्लू के लिए सॉरी, उसके बाद थोड़ी पिंक और येलो की भी देंगे। अभी सिर्फ ब्लू की दी है और वाइट की दी है हमने, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। इससे क्या है, पानी में मूवमेंट भी दिखाई दे रही है।
अब येलो का मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया उसमें, नीचे वाले फ्रंट की रिफ्लेक्शन दी येलो के साथ। अब इस पे रेड का यूज़ करेंगे। अब रेड यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। लाइक तो मस्ट है, करना ही है, प्लीज़ कर देना लाइक। सब्सक्राइब करो और मैं इससे भी इजी इजी टेक्निक्स तुम्हें दिखाता रहूँगा पेंटिंग्स की। सिर्फ पोस्टर कलर्स के साथ नहीं, आगे ऑयल पेंट्स के साथ भी करेंगे और पेंसिल शेडिंग्स, फेस बनाने के तरीके, अलग अलग चीज़ें मैं डालता रहूँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करो। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे तो मैं आगे भी और अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा। मैं इस पर वॉश टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही 3 लेयर्स डाल दी थी, अब मैं इसके ऊपर 4th लेयर यूज़ कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसको ग्रास को पानी के हल्का हल्का अंदर की ओर लाता रहूँगा। अगर आपको कलर्स का ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में तो प्लीज़ ब्राइटनेस को बढ़ा के देखो, उससे तुम्हें कलर्स ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा ब्राइट दिखाई देंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा और रेड का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़े लीव्स का टेक्सचर देने के लिए ना हल्का हल्का पिंक के ऊपर रेड का यूज़ कर रहा हूँ। नीचे येलो का करेंगे जहाँ हमने क्रिम्सन येलो का यूज़ किया। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक और येलो कलर बनाया, लेकिन मेरे पास वो एक्चुअल कलर था नहीं, मैंने ये 6 शेड्स वाले उसके साथ ही किया, डब्बे के साथ। कोई भी कलर हम बना सकते हैं, बस प्राइमरी कलर्स चाहिए होते हैं हमें। अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट है। अच्छी